हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और चैप्टर है रैशनल नंबर, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा, जो कि सॉल्व करके उनका आंसर आप बताएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आज का। ये है कुछ क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है आपको, देखिए रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है? आपको बताना है कि कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है। कंपेयर करना है बेसिकली। कंपेयर कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सबके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, है ना? जैसे ये दो रैशनल नंबर हैं, दोनों के हर डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, पता लग जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमेशा छोटा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं, तब तो हमें डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर करना ही पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपल है चीजें। आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करना है। 2/3 है और 5/2 है, तो भाई किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर इनके सेम हो जाएं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से कर देते हैं, तो 2 × 4 3 × 6 और ये 5 × 15 और 3 × 6 डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब मुझे बताइए 4/6 और 15/6 में से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। दैट मींस हम यहां से ये बोल सकते हैं कि 2/3 छोटा है और 5/2 बड़ा है, तो 5/2 इज ग्रेटर, 5/2 बड़ा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है? ये भी वैसे ही करेंगे होमवर्क, ठीक है? एक आधे पार्ट आप खुद भी करें। अब देखिए, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो -3/4 है और 2/-3 है। डिनोमिनेटर करना है सेम, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें पता है 4 या 12, ठीक है? एलसीएम इसका 12 है, तो 12 लाना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 12, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में -3 है, तो हम क्या करेंगे, -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 12 होता है ना, तो 3 × 9 -9 आ गया भाई, 4 × 12 और ये आ गया -8/12, ठीक है? -9/12 और -8/12 में से कौन सा बड़ा है,
भाई नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उल्टा होता है, वैल्यू जिसकी बड़ी होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, छोटा होता है। जैसे -9 -8 से छोटा होगा, दैट मीन्स हमें ये पता लग गया है कि जो -9/12 है, दैट इज -3/4 है, वो क्या होगा, छोटा होगा 2/-3 -2/-3 बड़ा होगा। यही हमने पता लगाया है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। देखिए तो बेसिकली ये है क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन समझें, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए आरोही और अवरोही दो चीज होती हैं। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोही यानी असेंडिंग क्रम यानी ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है या आरोही क्रम क्या होता है ये मैं बता देता हूं। जो इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम होता है उसको बोलते हैं आरोही क्रम। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, 1 3 2 4 9 5 6, ठीक है, ये है। तो इनको आपको क्या करना है, इनको बेसिकली आपको ज्यादा नहीं लेते नंबर, इनको आपको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में हो गया। बेसिकली छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखना है। इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें सबसे छोटा क्या होगा ये देखना है। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, डिनोमिनेटर सबके सेम है इनके। अब नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, 0 -1 -2 -3, तो सबसे पहले -1 आता है, फिर -2, फिर -3। तो जो राइट की तरफ होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट की तरफ छोटा होता है नंबर लाइन पे। दैट मीन्स -1 -2 से बड़ा होगा, -2 -3 से बड़ा होगा, तो सबसे छोटा क्या हुआ इसमें, -3। तो -3/5, फिर -2/5, और फिर -1/5। दैट मीन्स ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अब आता है सेकंड पार्ट, ठीक है, क्या आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमने क्या करना है,
1/3 ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, मतलब सबसे बड़ा तो ये है, सबसे लास्ट में आएगा ये, बचा क्या -2/9 और -4/3। इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -12/9 आ जाएगा। अब देखिए -2/9 बड़ा है या -12/9, तो -12 -2 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा -4/3 सबसे छोटा होगा, -2/9 और फिर 1/3, ये होगा इसका आरोही क्रम। नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो बच्चों अब कुछ और टॉपिक्स करेंगे हम। देखिए अब सबसे पहले है आपके लिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। भाई सेम होगा जैसे कि हम एडिशन यानी योग, ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस का एडिशन किया है आपने वैसे ही रैशनल नंबर्स का एडिशन हो जाएगा। जैसे 3/5 +4/5, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका 5 आ जाएगा। अब 3+4 न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया 3+4 7, 7/5, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन करेंगे बच्चों जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए, अब आपको सम फाइंड आउट करना है, योग ज्ञात करना है, क्या है 5/4 5/4 -11/4। फाइव बाय थ्री +3/5 तो इनको ऐड करना है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इन सबको ऐड करके आंसर्स बताइए क्या आते हैं आपके। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, एक है 5/4 एक -11/4, दोनों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है 5/4 जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए अगर आपको पता है कि भाई साइन का क्या करते हैं, जैसे 3 है +-2 है, इन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास देखिए बीच में जो दो साइन दिख रहे हैं वो एक साथ हैं, इन दो की जगह मुझे कोई एक साइन लिखना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस की जगह मैं माइनस लिख देता हूँ। इसी तरह जो साइन होते हैं आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस, इनकी जगह क्या आता है, प्लस माइनस की जगह माइनस आएगा, इसकी जगह भी माइनस आएगा, इसकी जगह प्लस और इसकी जगह प्लस, ठीक है। तो दो साइन अगर इकट्ठे मिलते हैं आपको तो उनकी जगह ये सिंबल्स आ जाते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस हो गया 11/4 है। एलसीएम कितना आएगा भाई, दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम हैं तो 4 ही एलसीएम आएगा और 5 - 11, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 - 11 - 6/4 आपका आंसर हो जाएगा -6/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया -3/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन करना है आपको। अब देखिए जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें प्लस का साइन है, साइन का कोई पंगा नहीं है, लेकिन जो इसके डिनोमिनेटर वो अलग अलग है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, हम 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 5 से करेंगे, तो 5 × 15, 15 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है, तो 15 एलसीएम है, बिकॉज एलसीएम इज इक्वल टू 15। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए इसका दोनों डिनोमिनेटर 5/3 है इंटू और 3/5 है, इनको डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना है, तो इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 15, 3 × 9 = 15, सेम आ गया। अब आपको क्या करना है, 25/15 + 9/15 ऐड कर देंगे, 15 एलसीएम आ गया, 25 + 9 कितना आ गया, 25 + 9 = 34, 34/15 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं इनका एडिशन, पहले इनको नोट डाउन कीजिए। तो सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। अब देखिए बाकी के जो दो पार्ट बचे हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। -3 - 11 + 5/9 है, क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो देखिए दोनों माइनस के हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बेसिकली ये कैंसल आउट हो सकते हैं। एलसीएम लेना है अब आपको, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 11 × 9 = 99 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3/11 × 5/9 × कितना आ जाएगा, इसको 9 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 × 27/99 और 55/99, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 27/99 + 55/99, ऐसे ही करते थे हम, 99 एलसीएम है, 27 + 55 ऐड करके कितना आ जाएगा, ये 7 + 5 = 12 एक हासिल, 5 + 2 = 7 और 1 = 8, 82/99, ठीक है, 82/99 नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए हमने थर्ड पार्ट किया है, वैसे ही आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ताकि आप एक बार रिवाइज करना कि एडिशन कैसे करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके देखना, ये हो जाता है दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।